हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं मेकिंग टच। जैसे कि बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं कहीं जाना पड़ गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब आ चुका तो वीडियो आपको रेगुलर देखने के लिए मिले करेगी। आज के इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो A3s के अंदर हमको ऐसी प्रोफेशनल थीम मिलती है जो आपको ओप्पो A3s को अच्छा लुक दे देगी। प्रोफेशनल लुक देने के लिए बहुत अच्छी थीम देखने के लिए हमको मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं कौन सी ऐसी थीम हमको देखने के लिए मिलेगी ओप्पो A3s के अंदर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आने वाले वीडियो आप मेरे मिस नहीं कर पाओगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा ओप्पो A3s। जैसे कि आप खुद देख सकते हो, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसका कवर उतार के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं कुछ मैंने थीमें सेलेक्ट करी है जो कि मेरे को प्रोफेशनल थीम लगती है। अगर आपको भी प्रोफेशनल थीम वो लगती है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आपको कंपेरिजन देखना है ओप्पो F9 और ओप्पो A3s का कैमरे का, तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दो। और इस वीडियो पे 30 लाइक आने चाहिए, मैं इस वीडियो के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओप्पो A3s और ओप्पो F9 का कंपैरिजन करेंगे कैमरे का, कौन सा कैमरा कितना अच्छा है, क्वालिटी हमको प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ थीम में। ये जो एप्लीकेशन है ये कोई इंस्टॉल नहीं करी है, ये आपके ओप्पो A3s में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी होती है। जो भी आपके पास ओप्पो A3s है उसके अंदर ये एप्लीकेशन ज़रूर से मौजूद होगी, ठीक है। सिंपली हम इसको ओपन कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास खुल के आएगा और आपको नेट ओपन करना है। नेट ओपन करने से ये एप्लीकेशन जो भी है ये हमारा खुलेगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, इधर लिखा रहा है वॉलपेपर। अगर वॉलपेपर डाउनलोड करना चाहते हैं वॉलपेपर कर लो, अगर थीम करना चाहते हो तो थीम पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वॉलपेपर नहीं थीम दिखाने वाला हूँ, तो थीम में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। थीम पे सिलेक्ट करने के बाद हमारा आता है मी। मी पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी हमने वॉलपेपर और थीम डाउनलोड करी है वहाँ पर हमारी शो हो जाएगी मी पे, जो कि हमने डाउनलोड करके रख रही है ऑलरेडी। और जो कि मैंने थीम है वो मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रख रही है। फिर भी मैं आपको बहुत सारी थीमें यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन कौन सी थीमें हमको देखने के लिए मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा हमें थीम देखने के लिए मिलती है। ये नई नई इसमें थीमें ऐड होती रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, इसमें थीमें आती रहती है, नई नई थीमें और वॉलपेपर इसमें ऐड होते रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात मेरे को लगती है। लेकिन बहुत सारे इसके फ्यूचर भी हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो अगर बनानी है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना, ठीक है। ये भी मेरे को ज़रूर बताना कि सेपरेट वीडियो बना दो, इसके ऊपर कौन कौन से फ्यूचर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है तो इसलिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आ चुकी है तो लाइक करना और फिलहाल उस वीडियो को शेयर करो। मी में लेके चलता हूँ। मी में मैंने इस पर कुछ थीम में डाउनलोड करके रख ली है, वो आपको मैं इधर दिखाने वाला हूँ। मी में चलूँगा, ऊपर के आइकन एक शो हो रहा है हमको माय थीम, मैं इसे थोड़ी ब्राइटनेस कम करने वाला हूँ। इधर शो हो रहा है मैं माय थीम, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं माय थीम, हमको इस पर क्लिक कर देना है जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। जैसे कि आपको देख सकते हैं ये कुछ थीमें हैं जो कि मैंने इंस्टॉल करके रख रही है पहले से डाउनलोड करके। तीन थीमें हैं, थ्री इंस्टॉल करके रख रही है मैंने थीमें। एक सबसे पहले याली थीम आ जाती है हमारी। अगर आपको होम पेज पे इसका आइकन करना है तो होम पेज पे करें, लॉक स्क्रीन पे करना है लॉक स्क्रीन पे करें। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको आइकन ही करना है तो आइकन पे अप्लाई करें। मैं आइकन ही करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आइकन ही दिखाऊंगा आपको सारे थीम में अप्लाई करूँगा। आइकन अप्लाई करने के बाद इसको टर्न बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरह का हमारा शो होगा। इसको ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद इसको फिर से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको जैसे कि दिखा सकता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है। तो 3D लुक हमको देखने के लिए मिल रहा है इसमें। 3D भी आप बोल सकते हैं, 3D मेरे को तो 3D भी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक हमको देखने के लिए मिल रहा है, प्रोफेशनल लुक हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वॉच हमको देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर से। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड थीम के बारे में। और इसका एक बात और बता देना चाहता हूँ, ऐसी ये लॉक नहीं खुलेगा, आपको नीचे आइकन दिख रहा होगा, थ्री एरो दिख रहे होंगे। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थीम के बारे में। जो नेक्स्ट थीम है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थीम है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पूरा नहीं बता पाऊँगा डिटेल में। लेकिन अगर आप इसको चार्ज करते हैं, अगर ये थीम अप्लाई करके अपने पेज पर, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो इसको जो आइकन है उसमें अगर फुल बैटरी हो जाती है तो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी देख सकते हो ऊपर आधी लाइट हमारी इंडिकेट हो रही है, ग्रीन तक, नीली ग्रीन तक आधी लाइट इंडिकेट हो रही है। अगर फुल आगे बैटरी हो जाती है तो रेड कलर की लाइट इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाती है उस साइड, पूरी गोल में इस साइड। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो एक लाइट और इंडिकेट होगी यहाँ पे हमारी, पूरा गोल से घूमेगा ऐसे करके। जैसे अगर आप इसको ऑन करते हो, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं ये ऑन करने पर इंडिकेट लाइट हो रही है।
अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम के बारे में। नेक्स्ट थीम के बारे में बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थीम हमारी है। इसको भी मैं आइकन पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोफेशनल लुक हमको देखने के लिए इस वीडियो के अंदर, मतलब इस मोबाइल के अंदर कितना अच्छा प्रोफेशनल वॉच हमको देखने के लिए मिल रही है, कितना प्रोफेशनल मोबाइल हमारा लग रहा है। तो कोई भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इधर से उधर से कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है एप्लीकेशन। जाओ वहाँ से इंस्टॉल करो, अपने होम पेज पे वॉलपेपर जो भी आपको थीम लगानी है वो इंस्टॉल करके लगा लो। तो बस आज की वीडियो ये थी, पसंद आई तो लाइक करना है। अगर आपको DSLR वर्सेज 200D DSLR वर्सेज और ओप्पो A3s का कंपैरिजन देखना है तो मेरे को नीचे कमेंट कर दो, और उस वीडियो पे 30 लाइक आनी चाहिए, मैं वीडियो जरूर क्रिएट करूँगा। अगर ओप्पो F9 और ओप्पो A3s का भी देखना है तो कमेंट करके इस वीडियो पे 30 लाइक होनी चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर क्रिएट करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और थीम अच्छी थी, आपको भी अप्लाई करनी चाहिए, बहुत सारी थीमें हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओप्पो A3s के अंदर हमको इतनी सारी थीमें देखने के मिल रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा कूल। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यही थी। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, आने वाले वीडियो से आप मेरी मिस नहीं कर पाओगे। और लाइक जरूर करे करो, ठीक है, भूल मत जाया करो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।